शहर के ऑडिटोरियम में जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के आह्वान पर जिला स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी शेष नारायण ओझा, प्रदेश सचिव और छतरपुर जिले के प्रभारी अभिषेक परमार, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लखन पटेल, गगन यादव, अदित सिंह, महिला कांग्रेस से रामसिया भारती, शिवानी चौरसिया, स्मिता खरे, प्रियंका अग्रवाल, सपना चौरसिया, युवा कांग्रेस राजनगर विधानसभा अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल सहित अन्य विधानसभाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने जहां युवाओं की समस्याओं, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की दमनकारी नीतियों पर प्रकाश डाला, तो वहीं जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पधारे शेष नारायण ओझा ने युवाओं से संवाद किया, जिसमें उन्होंने युवाओं से प्रश्न पूछे और युवाओं के प्रश्नों का जवाब दिया। शेष नारायण ओझा ने युवाओं से वर्तमान राजनीति पर, बेरोजगारी पर और किसानों की समस्या पर तथा नारी सुरक्षा और बढ़ती महंगाई पर विस्तार से चर्चा की और समस्त समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा सड़क से संसद तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में युवाओं, नौजवानों, किसानों और उनके अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने की बात कही। पूरे कार्यक्रम में युवाओं ने भी जमकर सवाल पूछे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन भी किया। समाज के अंदर चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, अब समय के साथ साथ हम लोगों में संवादहीनता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। संवादहीनता में जैसे हम एक दूसरे के सुख दुख में पहले शामिल हुआ करते थे, कुछ समय हमारे पास हुआ करता था, निजी ज़िंदगी से हट करके हम लोगों के बीच में उनके सुख दुख की चर्चा किया करते थे, लेकिन आज वो धीरे से ख़त्म हो रहा है। हम यूथ कांग्रेस के लोगों ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें युवा संवाद, युवाओं के साथ बैठ करके उनके मन के भाव, उनके साथ क्या स्थितियां गुजर रही हैं, रोज़गार का उन पर क्या असर पड़ रहा है, कोरोना काल में जो समस्या उनके सामने आई उससे वो कैसे उभर रहे हैं, और हम एज ए पॉलिटिशियन उनकी बातों को कैसे उठा रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं और उनको अपने साथ कनेक्ट करके इसको एक आंदोलन का स्वरूप दे सकते हैं।